हेलो गाइस, स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज रहेगा हमारा लेटर हेड बनाना, कि हम एक लेटर हेड या लेटर पैड बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेटर हेड, लेटर पैड बोलो आप या लेटर बोर्ड बोलो, ठीक है। तो आज हम इसका बनाना हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम सिंपल लेटर पैड बना रहे हैं, वो भी एमएस वर्ड में। ना हम इसमें कॉरल ड्रॉ का यूज़ कर रहे हैं और ना ही हम इसमें फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और हम इससे एक क्या बनाएंगे, एक शानदार अच्छा सा प्रोफेशनल लेटर हेड कंपनी का बनाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा, देखिए पेज लेआउट में मैं साइज़ में यहाँ पे A4 साइज़ रख लूँगा, और हम जाएंगे मार्जिन में, और मार्जिन आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, नैरो रख लीजिएगा। ये देखिए नैरो, मैंने कर दिया नैरो सेलेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या मेरा रहेगा। अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपने इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद मैं जाऊंगा शेप्स में। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितनी सारी शेप्स है, आप कोई भी शेप का यूज करके अपना डिजाइन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं अपने इसके लिए ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पे देखिए मैं ये वाला जो है फ्लो चार्ट वाले, जो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ डिजाइन है फ्लो चार्ट के, इसमें से मैं कोई एक ले लेता हूँ। चलो ये ले लेता हूँ, इसका मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने अपना डाल दिया, ठीक है, बहुत इजी है। अब आप क्या कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल प्रेस कर लीजिए अपने कीबोर्ड से, कर दिया। और फिर आप क्या कर लेंगे, ये इसको फ्लिप कर देंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला भी इस साइड को मैं फ्लिप करूं, तो आपको मैं इस तरीके से भी मैं फ्लिप कर सकता हूं, अपना मन है, आप जैसे आपने करना, जरूरी नहीं मेरी तरह करना, बट यहाँ पे मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ वो कुछ ऐसे अच्छा लगेगा। ये और मैं यहाँ पे इसको सेट कर दिया, मैं जूम करके यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए सारा सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और मैं जाऊंगा कहाँ पे, फॉर्मेट पे। अब फॉर्मेट में आप यहाँ से इसकी जो शेप है उसको यहाँ से नो फिल भी कर सकते हैं, और यहाँ से उसमें कलरिंग भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए, जो भी आपको कलरिंग चाहिए। मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ, ये देखिए। और अब मैं क्या कर लेता हूँ, दूसरा इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं पेस्ट कर लिया, ये वाला मेरे पास आ गया, देखिए यहाँ पे मैंने निकाल दिया नीचे। अब मैं इसकी यहाँ पे शेप फिल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से जाके आप कर लीजिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे शेप फिल। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, लीजिए इसका भी कोई सा कलर दे दीजिए अलग अलग, जैसा रेड दे देता हूँ, ये देखिए। और मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ, पहले इसको नीचे रखता हूँ। सबसे पहले जो ये वाला है, इसका मैं पहले क्या कर लेता हूँ, शेप जो आउटलाइन है उसको नो आउटलाइन कर लेता हूँ, ये देखिए इसको नो आउटलाइन कर रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे ये वाला है, अगर मैं इसकी शेप आउटलाइन रखूँ तो यहाँ पे देखो इसकी शेप्स के चारों तरफ ब्लैक कलर की ये जो बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे बॉर्डर नहीं बना है। अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप शेप की आउटलाइन रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर दीजिएगा। वैसे प्रेफर मैं यही करूँगा कि आप ना रखें आउटलाइन, क्योंकि फिर ज़्यादा अच्छा जचता है ये चीज़। ये मैंने इतना रख लिया, ये थोड़ा ऐसा रख लेता हूँ, ये देख ली। अभी देखो यहाँ पे आउटलाइन मुझे दिख रही है, इसको मैं नो कर लूंगा ताकि ये ब्लैक जो शेप थी यहाँ से गायब हो जाए। ये देखिए नो आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पे मेरी आउटलाइन नहीं दिख रही है, ठीक। अब मेरा एक, मैं और इससे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको फिर से शेप फिल कर देता हूँ, इसकी ये वाली रख लेता हूँ और इसको भी यहाँ ले चलता हूँ, ये देखिए। रेड कलर जो है इसका, ये वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ, रेड वाला,
और रेड वालों की मैं कुछ और शेप आउटलाइन देता हूँ यहाँ पे। इसकी मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ ठीक बन गया। अब ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा ऊपर की मैंने शेप अच्छी बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, मैं इंसर्ट यहाँ पे अपना लोगो कर लेता हूँ पहले। ये मैं गया अपने पिक्चर में, अब पिक्चर से मैंने डेस्कटॉप में जाके अपना लोगो ले आऊंगा। ये देखिए मेरा लोगो, ये हो गया इंसर्ट। अब देखिए जो आपका लोगो है वो इस जो बैकग्राउंड सा लिया मैंने इसके पीछे जा रहा है। ये देखिए इसके पीछे चला गया। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड इसके ऊपर आए, इसके ऊपर। अब ये ऊपर कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप जाइएगा रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको कर लीजिएगा ओके। तो आप देखेंगे आपका जो ये लोगो है ये आ जाएगा आगे। ये देखिए आगे, ये देखिए। और मैं इस लोगो को मैं यहाँ पे ऊपर उठा के लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए बन गया। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला जो ये बैनर ये है लाइनिंग, कि इसकी कुछ मिसमैच हो रही है, क्योंकि मेरा जो लोगो है इसका जो बाहर का जो बॉर्डर है वो किसका है, वो है रेड का, ये व्हाइट का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ कौन सा कलर है, ऑरेंज टाइप है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑरेंज को फॉर्मेट में जाके इसको भी व्हाइट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपके ये आपके लोगो का कलर होगा उसके साथ मैच करना चाहिए। मैंने कर दिया व्हाइट, ये देखिए अब लग रहा है ना। अच्छा जो भी आपका कलर होगा उसके साथ आप इसको थर्ड वाले बैन जो अपना लिया था बैनर उसके कलर फिल कर लीजिएगा। मैंने इसमें व्हाइट फिल कर लिया तो मेरा ये इसके साथ मैच हो गया, अब लगेगा अच्छा, ठीक है। ये देखिए अब मेरा नेक्स्ट क्या काम रहेगा, यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना है, जैसा लोगो बनाया वैसे। ये आप टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हो या वर्ड आर्ट से भी ले सकते हो, तो मैं वर्ड आर्ट का यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे उठा के ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, वी आई के एस यूनि, हो गया। अब मैं इसका यहाँ से होम में जाके इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ग्रीन, ये देखिए। और इसका मैं चेंज कर लेता हूँ रेड के लिए, रेड रख लेता हूँ इसका, ये देखिए अच्छा लग रहा है। या आप अपने तरीके से रख लीजिएगा, जैसे आप रखना हो आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक अब यहाँ पे मैं एड्रेस दे दूंगा नीचे, एड्रेस आप टेक्स्ट बॉक्स से भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ से ले लिया, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेना, मुझे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ये बहुत बड़ा आ गया, ठीक है ये आ गया। तो इसको मैंने सारा इसमें जो लिखा था वो मैंने कट कर दिया, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने कर दिया अपना जो मेरी टैगलाइन थी, इंस्पायर द यूथ। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे छोटा, और मैंने इसको दे दिया कलर कुछ ब्लू, ठीक रहेगा। ये देखिए इंस्पायर द यूथ, ये देखिए। और अब क्या कर लूंगा, मैं का कर दूंगा साइज इतना, और इसको ले जाऊंगा अपने कीबोर्ड का यूज कर लीजिएगा राइट एरो का, ठीक है। इससे आप इसको नीचे ऊपर एरो से कर सकते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे एक आप और प्रॉब्लम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ये कुछ बॉर्डर सा यहाँ पे रह रहा है। अब इस बॉर्डर को भी हम खत्म करेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ये। तो मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा फॉर्मेट में, और यहाँ पे क्या कर दूंगा नो आउटलाइन। जैसे मैंने नो आउटलाइन कर दिया,
यहाँ पे देखिएगा इसकी आउटलाइन फिर से हट गई। ठीक, अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करके एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ नहीं, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कर दिया ढालपुर कुल्लू हिमाचल प्रदेश, तारा कुंजा 01। ये एड्रेस जरूरी है ना लेटर हेड पे, लेटर पैड पे। और यहाँ पे इसका आप कलर चेंज कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा दूंगा। ये देखिए, इसकी सेटिंग हो गई। फिर से एक बारी थोड़ा सा इसको, ये देखिए बन गया, काफी अच्छा बन गया। और अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं इंसर्ट करके यहाँ पे फिर से पिक्चर में जा रहा हूँ, पिक्चर नहीं लूंगा इस बार। अब मैं क्या करूँगा, इसका वाटर मार्क लेता हूँ। वाटर मार्क के लिए आप क्या जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ से डिज़ाइन टैब में, डिज़ाइन टैब में, और डिज़ाइन टैब में जाएंगे आप कहाँ पे, ये अपने पास आ गया पेज बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन। आप क्या करोगे, यहाँ से वाटर मार्क चूज कर लेंगे, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर मार्क अपना कस्टम वाटर मार्क लेंगे। मैं कर दूंगा कस्टम वाटर मार्क को ओके। तो जैसे ही कस्टम वाटर मार्क के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपके पास देखिए ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आप नो वाटर मार्क ले सकते हैं या टेक्स्ट वाटर मार्क भी ले सकते हो, बट हम क्या करेंगे, हम लेंगे पिक्चर वाटर मार्क। यहाँ से क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे पिक्चर, तो यहाँ पे आ गया फॉर्मा फाइल, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ ब्राउज और यहाँ पे मैं करूँगा लोगो, कौन सा होगा ये वाला कर लेते हैं। और इसको मैं कर दूंगा 50%, और इसको आप वॉश आउट चेक ही रखिएगा, क्योंकि अगर वॉश आउट नहीं रखेंगे तो ये काफी इसकी तरह क्लियर दिखना शुरू कर देगा। ये मैं कर दूंगा ओके, जैसे मैंने कर दिया ओके, तो मेरा यहाँ पे वाटर मार्क नीचे विकास दृष्टि का आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो जो मेरा लोगो था वो ये वाला था, और देख रहे हैं आपकी इसकी डायमेंशन बहुत हाई है, तो तभी ये पूरा यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से इंसर्ट अपना डिज़ाइन में जाके वाटर मार्क में चूज़ कर लेता हूँ कस्टम वाटर मार्क। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा पिक्चर, मैं डाउनलोड से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको मैं कर दूँगा अप्लाई। अब देखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास लोगो मेरा आ गया है, ये देखिए। ठीक, अब मेरे पास नीचे फुटर सेलेक्ट करना रह गया। फुटर भी जो है हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट्स में हम कोई भी शेप ले लेंगे, कोई भी शेप, कौन सी शेप लें ये वाली ले लेते हैं, ये वाली ले देते हैं बॉक्स जैसी। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स इसका बना दिया,
बॉक्स बना दिया। इसको ही वैसे ही कर लेते हैं, इसकी भी दो कलरिंग कर लेते हैं ऊपर की तरह, ब्लू और ग्रीन। ये मेरा एक यहाँ पे हो गया, और इसको मैंने फिल कर दिया ब्लू, और मैंने इसकी आउटलाइन क्या कर ली, नो आउटलाइन। और मैंने क्या कर दिया, कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दिया एक यहाँ पे, ये और आ गया ये, और मैंने इसकी क्या कर दी, ग्रीन ग्रीन, ठीक। और इसको ही मैंने क्या कर दिया, नो आउटलाइन, नो आउटलाइन। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये, और इसका मैं क्या कर लेता हूँ, नो आउटलाइन कर लेता हूँ, बट इसको मैं व्हाइट कलर कर लेता हूँ। व्हाइट कलर मैंने क्यों किया, ये आपको आइडिया हो गया होगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ये बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिखूंगा। अब इसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या करूँगा, मैं ले जाऊँगा नीचे, यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ मैं ईमेल, ईमेल कॉन्टैक्ट एट द रेट ऑफ विकास यूनिवर्सिटी, और जो हमारी वेब है वो है विकास यूनिवर्सिटी डॉट कॉम। और क्या कर दूंगा, मैं इसको थोड़ा कर दूंगा, ये देखिए अब आ गया। अब मैं इसका थोड़ा फॉन्ट इसको मैं कलरिंग दे दूंगा, ये वाली दे देता हूँ, और थोड़ा इसका साइज भी बढ़ा देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने टू, ये देखिए, और इसको आप अब नीचे ले जा सकते हो। ये मैं यहाँ से इसको स्पेस दे के आगे ले जाता हूँ, ये देखिए मेरा जो लेटर हेड था वो हो गया है एकदम पूरा, और जो कि बहुत ही सुंदर प्रोफेशनल और सिंपल बना हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसकी आउटलाइन कर देता हूँ रिमूव, ये देखिए
अब देखिए, आपको आइडिया लग गया होगा कि आप जो अपना हेडर है वो कैसे यूज बना सकते हैं, कैसे कलरिंग कर सकते हैं, कैसे लोगो लगा सकते हैं, कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं और कैसे आप टेक्स्ट में कलरिंग कर सकते हैं, और फिर आप वाटरमार्क आप जो है वो कैसे लगा सकते हैं, और जो अपना फुटर है वो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा बनाया ताकि ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ना। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा बीच में ले चलता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे रेफरेंस और डेट। ये देखिए, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ नीचे, क्योंकि लेटर हेड में ये चीज भी ये देखिए। ये देखिए, अब इसकी आउटलाइन भी आप कैसे करेंगे, फॉर्मेट में जाके आउटलाइन कर देंगे, नो आउटलाइन, बस देखिए अपना जो फॉर्मेट है लेटर हेड का वो एकदम बन के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। ठीक, मैं आपको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपनी लेटर हेड की डिजाइनिंग कर सकते हैं, काफी अच्छे। आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, 3 4 दिन में आप मुझसे 100 गुना अच्छा लेटर हेड बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस विकास मिश्री के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।